जम्मू कश्मीर में अगले दो दिन तक जो है वो तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और पूरी खबर जो है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है कभी धूप तो कभी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम सुबह की ही बात करें तो आज सुबह जो है वो आपने देखा कि कितनी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली, क्लाउडी मौसम जो है वो देखने को मिला, पर अब जो है वो कड़ाकेदार धूप जो है वो देखने को मिल रही है और गर्मी का भी एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो अगले दो दिन में जो है वो कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बादल फटने के खतरे हैं, फ्लैश फ्लड्स आने के खतरे हैं, वहीं अगर हम बात करें लैंडस्लाइड आने के खतरे हैं, शूटिंग स्टोन्स के खतरे हैं और तेज बारिश के भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे हैं। वहीं अगर हम बात करें पहाड़ी एरियाज की बात करें, अब मौसम अच्छा है, कहीं ना कहीं सारे परिवार वाले सोचते हैं कि कहीं हम घूमने के लिए जाए, पहाड़ी एरियाज में जाए, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं बचेंगे। पर जितने भी लोग पहाड़ी एरियाज में जाने का सोच रहे हैं या जितने भी लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने का सोच रहे हैं, तमाम लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप इन दो दिनों में जाने का सोच रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने प्लान को जो है वो थोड़ा सा कैंसिल कर दें, अगले दिन मतलब दो तीन दिनों के बाद जो है वो बना लें, क्योंकि इन दो दिनों में जो है वो कई सारे खतरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी अगले दो दिन आपको फ्लैश फ्लड्स के खतरे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो तेज बारिशें आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें मड फ्लड्स की बात करें, वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग पहाड़ी एरियाज में जाने का सोच रहे हैं या फिर अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें वहाँ पर जाने का सोच रहे हैं, तो तमाम लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप दो दिन जो है वो ना जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मड फ्लड्स के खतरे होते हैं, लैंड स्लाइड्स के खतरे होते हैं और भी काफ़ी चीज़ों के खतरे जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में भी जो है वो कभी बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं धूप जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 8 से 10 की, तो 8 से 10 को जो है वो दिन के टाइम में जो है वो बारिशें देखने को मिलेगी, थंडर शावर देखने को मिलेगी और कुछ स्कैरी प्लेसेस है जो कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें या फिर जितने भी जम्मू डिवीजन की जितने भी थोड़ी बहुत जगह हैं वहाँ पर सुबह या फिर रात के समय जो है वो बारिशें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम 11 और 13 की बात करें और 11 और 13 तक जो है वो कई सारे इलाके ऐसे हैं कश्मीर डिवीजन के जहाँ पर आपको जो है वो बारिशें देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के कई इलाकों में जो है या तो आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वो बारिशें देखने को मिलेगी या तो अगर हम शाम की बात करें तो शाम के समय जो है वो आपको बारिशें देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग जो है वो प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, तो उन तमाम लोगों को मैं बता दूँ कि दो दिन तक आप अपना प्लान जो है वो ना बनाएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें, अगर आप वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले आप ट्रैफिक एडवाइजर जो है वो चेक कीजिए, क्योंकि कहीं बार नेशनल हाईवे को जो है वो बंद कर दिया जाता है ड्यू टू रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होने के बाद वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने के खतरे होते हैं, मडस्लाइड्स वगैरह, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिस वजह से नेशनल हाईवे को भी जो है वो कभी कभी बंद जो है वो कर दिया जाता है।